Hello students, from today we are going to start your metabolism part. The first chapter of metabolism, that is membrane transport mechanism. Now membrane transport mechanism, as you can see this diagram. In diagram there the cell membrane is been shown, which is made up of phospholipid. Okay. Phospholipid, the head part is there and the tail part is there. Okay, ये basic है जो आपने previous standards में भी study किया है. जो head part है वो hydrophilic होता है, यानी कि water loving, और जो tail part है it is hydrophobic, that is water hating. Okay, तो ये क्या दिखाया गया है, it is the cell membrane which is made up of phospholipid bilayer. एंड जो सर्क्यूलर फॉर्म में दिखाया गया है, इट इज़ नथिंग बट दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल. हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि चैनल और ये सब क्या होता है. तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंसेप्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस और थ्रू द मेम्ब्रेन, दैट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द behind this chapter, that is membrane transport mechanism. Now question arises, molecules का transport हो रहा है तो कौन से molecules से? So molecules like salt, water और amino acids, protein, macromolecules as well as micromolecules, just for the exchange. Okay, so that is the molecules which are ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दिस बाय लेयर मेम्ब्रेन. तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द बाय लेयर. नाउ हाउ दिस मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड आउट, इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स लाइक इंटीग्रल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन and receptor proteins. Let's understand this proteins one by one. Integral protein kya hote hain, these are integrate onto the cell membrane. Okay, that is phospholipid bilayer. Second, pumps kyun use kiya jata hai, inka sabka main aim hai transportation. Okay, so to transfer the substance against the concentration gradient, pumps are been used. Next is channel protein. Channel protein कैसे होते हैं, these are open and closed by gates. Open and closed by gates means what, this protein in the first diagram you can see, ये जो diagram है these are examples of channel protein. इनका structure अगर देखा जाए तो it is like gate type. Okay, gate type means what, जो middle आपको जो line दिख रही है वो line एक तो क्लोज फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर वो स्ट्रक्चर क्लोज फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर ओपन फॉर्म में भी हो सकता है, गेट जैसे. ओके, सो इट इज़ नोन एज द, और उसको रिजेंबल किया है गेट के स्ट्रक्चर से. ओके, सो दैट आर द चैनल प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल. ओके, सो दैट इज द चैनल प्रोटीन. नेक्स्ट है कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन, दिस आर द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन. ओके, these are the cell membrane protein which are involved in the transport of non-charged molecule. Next are enzyme protein. This takes place in the membrane reaction. Next is receptor protein. Receptor protein iska best example hai ligands, like lock and key model hai. Matlab kuch jaise key specific hoti hai lock ke liye, waise kuch ligands hote hai specific. बहुत से लिगैंड्स होते हैं स्पेसिफिक, लाइक एंटीजन एंड एंटीबॉडी. ओके, सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन. मूविंग ऑन ट्रांसपोर्ट, नाउ अब हम एक्चुअल ट्रांसपोर्ट इस चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं. ट्रांसपोर्ट ये एक मैकेनिज्म है, किस चीज का मैकेनिज्म है, टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटर टू इनर मेम्ब्रेन और फ्रॉम इनर टू आउटर मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ये कैसे किया जाता है, थ्रू सिलेक्टिव मेम्ब्रेन. ओके, सेकेंड दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन.
ओके दैट इज द मेन थिंग. जस्ट द डेफिनेशन अगर हम ट्रांसपोर्ट की करेंगे तो इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स लाइक चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए. ओके सो दैट इज द ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ये टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. द फर्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसके आगे कैटेगरीज है लाइक सिंपल डिफ्यूजन और जस्ट डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बल्क फ्लो एंड फिल्ट्रेशन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस वन बाय वन इन डिटेल. हम इस स्लाइड में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, सो बिफोर गोइंग into the categories of passive transport, let's understand what is passive transport. As we have understood transport kya hai, passive transport kya hota hai, it is the movement of molecules across the cell membrane without use of energy or without input of energy, that is known as the passive transport. यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, मूव होते हैं, लेकिन उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन. ठीक है, तो अब ये सब क्या है ये हम देखेंगे. मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट इन थ्री प्रोसेस से कैरी आउट होता है. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन नाउ. फर्स्ट इज डिफ्यूजन, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल डिफ्यूजन. यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी इज नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. डायग्राम में दिखाया गया है, सी एग्जाम्पल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड अमाइनो एसिड. ये मूव हो रहे हैं, इनकी मूवमेंट दिखाई गई है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. डाउनसाइड अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और आयंस, अब इनकी मूवमेंट नहीं दिखाई गई है. दिस आर दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स, राइट, ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है. इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जरूरी है, राइट, तो इनकी मूवमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई गई है. सो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज जस्ट द सिंपल प्रोसेस विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, अगर हम डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एग्जाम्पल से गैस एक्सचेंज एट द एल्व्यूलाई. ओके, एग्जाम्पल्स है गैस एक्सचेंज एट द एल्व्यूलाई, मतलब गैसेस में है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब मैंने कहा है फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, अब एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इसकी मूवमेंट कैसी होगी, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ब्लड. ओके, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एयर. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया इन केस ऑफ एल्व्यूलाई. सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगी तो गैस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट है, सेम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो कैसे मूवमेंट होगी, डेफिनेटली हाई टू लो होगी, लेकिन कैसी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर विल ट्रांसपोर्ट टू द लीफ. ओके, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम लीफ will get transported to the air, right? क्योंकि लिए oxygen का amount leaf में ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा से वो कम की तरफ बढ़ेगा, right? तो leaf में ज़्यादा होता है तो leaf से वो atmospheric air में entry करेगा. ठीक है, so that is the movement. Third example अगर मैं कहूँगी gases के ही बारे में तो है respiration में. ठीक है, respiration में oxygen from blood to tissue cells,
डेफिनेटली ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में ज्यादा होगा तो इट विल माइग्रेट फ्रॉम हाई मीन्स फ्रॉम ब्लड टू लो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज टू द टिश्यू सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू द ब्लड. ओके सो दैट इज द मूवमेंट ऑफ हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन. इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपका जो डिफ्यूजन कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है सो दैट इज द डिफ्यूजन. लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट नोन एज ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस ये कंसेप्ट आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी स्टडी की होगी. ठीक है तो ऑस्मोसिस ये प्रोसेस क्या है. ऑस्मोसिस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द ऑस्मोसिस. मतलब क्या मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके अब इसे हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे. डायग्रामेटिकली इमेजिन कीजिए एक कंटेनर है या फिर एक वेसल है. ठीक है इनटू दैट वेसल इज बीन डिवाइडेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है ये कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करता है. ओके फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड. सो कंटेनर इज देयर इनटू दैट कंटेनर इन द मिडल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज बीन फिटेड. ओके अब हमने क्या किया है कंटेनर में शुगर ऐड किए. ओके वी हैव एडेड शुगर इन टू दी वन साइड वी हैव एडेड कॉन्सेंट्रेटेड शुगर और ऑन टू दी अदर साइड वी हैव एडेड डायल्यूटेड शुगर सोल्यूशन. ठीक है दो साइड में डिवाइड हो चुका है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने फिक्स किया है. तो पहली साइड में क्या है कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है और दूसरी साइड में है डायल्यूट शुगर सोल्यूशन. ठीक है अब डायल्यूट शुगर सोल्यूशन में डेफिनेटली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा. जब आप डायल्यूट बोलते हैं तब आप वाटर की एडिशन करते हैं वाटर का कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज्यादा होता है. ठीक है तो डायल्यूट शुगर कॉन्सेंट्रेशन में या फिर डायल्यूट शुगर सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ये मोर होगा एज कंपेयर टू दी कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन. तो मूवमेंट कैसी होगी डेफिनेटली वाटर विल मूव फ्रॉम दी डायल्यूट शुगर सोल्यूशन और हाई शुगर सोल्यूशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन टू दी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर. ओके अब ये मूवमेंट कब तक होगी द मूवमेंट विल हैपन टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. ओके द मूवमेंट विल हैपन टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वॉटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वॉटर कॉन्सेंट्रेशन. हमने ये एग्जाम्पल की साथ इसे हमने समझा है. ठीक है मूविंग ऑन अब ऑस्मोसिस के भी टाइप्स हैं लाइक आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब इन तीनों टर्म को हम एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है एग्जाम्पल स्लाइड में मेंशन नहीं किया है जस्ट लिसन केयरफुली कैसे. नाउ जस्ट वी नो दैट ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन राइट. आप एग्जाम्पल की तरह हम इसके टाइप्स समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. सपोज थ्री कंटेनर्स आर देयर. ओके थ्री कंटेनर्स विथ डिफरेंट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. लिसन केयरफुली थ्री कंटेनर्स विथ डिफरेंट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. ओके नाउ इनटू दैट थ्री कंटेनर्स वी हैव एडेड आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड सेल्स. ओके इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के आरबीसीज हमने उन तीनों कंटेनर्स में ऐड किए हैं. कंटेनर में क्या है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स वाटर एंड सॉल्ट इज बीन देयर. ओके और उन तीनों कंटेनर्स में हमने फ्यू आरबीसीज ऐड कर दिए हैं. ठीक है आफ्टर सम टाइम और आफ्टर अ व्हाइल व्हाट विल हैपन उन तीनों कंटेनर्स की हालत कैसी होगी. फर्स्ट सेट हैज सेल विच आर श्रिंक. ठीक है पहले कंटेनर में सेल्स क्या हो जाएंगे श्रिंक हो जाएंगे. सेकेंड सेट में
सेल्स क्या हो जाएंगे, देर विल बी नो चेंज इन द सेल, इट विल रिमेन सेम एज इट इज. थर्ड सेट में सेल्स स्वेल हो जाएंगे या फिर इट विल बिकम बल्ज. ओके, इन द फर्स्ट केस सेल्स आर श्रिंक, इन द सेकेंड केस सेल्स आर सेम एज इट इज, एंड इन द थर्ड केस सेल्स आर बीन स्वॉलन और दे आर बल्ज्ड. ओके, तो ये क्यों हुआ है, वॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट, लेट्स अंडरस्टैंड ईच केस वन बाय वन. इन द फर्स्ट सेट, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेट में क्या है, सेल्स आर बीन श्रिंक. नाउ व्हाई सेल्स आर बीन श्रिंक, बिकॉज हियर सॉल्ट कंटेंट इज लो. ओके, पहले केस में क्या है, मैंने आपको बताया कि इन द फर्स्ट केस सेल्स आर श्रिंक, तो अब यहाँ पर क्या है, पहले केस में जो वाटर कंटेंट है उस कंटेनर में, जो वाटर कंटेंट है इट इज लेस एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल. ठीक है, यानी कि सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है. ठीक है, सो वाटर कंटेंट और वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज लेस एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल. अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो डेफिनेटली सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे हुआ, ज्यादा. ओके, दैट इज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, देयरफोर दिस सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड. ये सॉल्यूशन कैसे हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. ओके, दैट इज द रीजन व्हाई वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड सॉल्यूशन. ओके, इनसाइड से कहां जा रहा है वो, आउटसाइड, यानी कि श्रिंक हो रहा है. श्रिंक क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और वाटर की मूवमेंट कैसी हो रही है, फ्रॉम हाई टू लो. सो सेल विल मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड सॉल्यूशन. ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वॉज, वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वॉज हायर विद इन द सेल. ओके, अब यहां पर क्या है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. ठीक है, तो यहां पर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसी हुई है, इट विल मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड. एज द वाटर इज मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, सेल विल ऑटोमेटिकली गेट श्रिंक. दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन, सो यहां पर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, सो इट इज नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके, कॉन्सेंट्रेशन outside the cell is higher than inside, water will move from out of the cell to create the equilibrium. Okay, so the cells are being shrink. Coming to the second case mein maine aapko kya bataya tha ki there is no change in the cell, matlab cell jaise the waise hi rahenge. Why? It's simple that level of water and salt they are equal. ओके, और सीम्स टू बी द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, आउट ऑल्सो एंड इन ऑल्सो. ओके, वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, मीन्स इट मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी सेम. इट इज नोन एज द आइसोटोनिक सोल्यूशन, दैट इज सेम कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सोल्यूट एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या है, इक्वल है. सोल्यूट मतलब आपका सॉल्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है. कमिंग टू द थर्ड केस, थर्ड केस में मैंने बताया था कि सेल्स आर बीन स्वॉलन और बल्ज, ठीक है, मतलब उनके अंदर वाटर एक्यूमुलेट हो चुका है तो वो स्वेल हो चुकी है. तो यहां पर कैसे है, इस केस में सेल्स आर सराउंडेड बाय द डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो इट इज टर्म्ड एज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मीन्स वॉट, यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट कैसी होगी, इट विल मूव इनसाइड द सेल. इनसाइड द सेल मतलब वाटर इनसाइड द सेल जा रहा है, सो द सेल्स बिकम बल्ज. ओके, सो दैट इज नोन एज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आउटसाइड द सेल इज लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड एंड वाटर विल मूव इन टू द सेल. ओके, ये मूवमेंट कब तक होगी, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता नहीं है तब तक. दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट. ठीक है, लास्ट टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन.
Now, what is the facilitated diffusion? It is the type of the passive transport. Definitely, kaise hoga fir? Movement of molecules from high to low concentration without involvement of energy. Ab yahan par facility provide ki jati hai for the transportation process. So, it is termed as facilitated diffusion. Getting my point? That is termed as the facilitated diffusion. A facility kaun si provide ki jati hai? Carrier protein or channel protein through. Theek hai? So, is tarike se facility provide ki jati hai. Ab ye facilitated diffusion ki agar hum definition dekhe, to definitely it is the movement of molecule or we can say movement of specific molecule from high to low concentration with the help of the proteins. Okay, like carrier protein and channel प्रोटीन यहां पर डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं कि चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन हाउ दे वर्क्स ओके द फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ द चैनल प्रोटीन एंड बी डायग्राम इज ऑफ द कैरियर प्रोटीन ठीक है सो दिस इज चैनल प्रोटीन दे ट्रांसपोर्ट द स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल एंड कैरियर प्रोटीन एग्जांपल है लिगेंड ओके दिस आर द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड दे ट्रांसपोर्ट द एट और वी कैन से दे हैव द मल्टीपल लिगेंड बाइंडिंग साइट ठीक है ये है और एग्जांपल अगर हम देखेंगे चैनल प्रोटीन के तो द वेल नोन एग्जांपल इज एक्विया पोरिन ओके एक्वा स्टैंड्स फॉर द वाटर पोरिन मींस पोर्स ओके स्मॉल पोर्स दैट इज द एक्वा पोरिन सो दिस वाज ऑल अबाउट द we can say passive transport, transport and passive transport, the three categories, osmosis, diffusion and facilitated diffusion. In next lecture, we will discuss second type of transport, that is active transport. Thank you.